हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मलकीनाथपुर गांव और एपीएन कोचिंग क्लास में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियोस में हम बताएंगे कि जो है कि यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन हो रहा है यूपी पुलिस में कि डॉक्यूमेंट में निवास किस तारीख का होना चाहिए और जाति किस तारीख का होना चाहिए, SC ST और जो है कि यहाँ पे OBC और जनरल कैटेगरी के लिए भी। तो यहाँ पे जो है कि दोस्तों इसी वीडियोज़ में बात करेंगे उसी टॉपिक पे। तो बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। अगर आप अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं तो कृपया इस वीडियोस को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे दस्तावेज के बारे में बताऊंगा कि अगर आप उसको नहीं सही करते हैं तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, लेटर से स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि कौन कौन सी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म में या इस भर्ती में एलिजिबल होंगे। तो देखिए, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण सूचना है जो कि अभ्यर्थी को पहले ही पढ़ लेनी चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थी के पास या लागू निम्नलिखित अभिलेख होने आवश्यक हैं। पहला जो है कि शैक्षिक अर्हता संबंधित अभिलेख, जैसे 10वीं 12वीं अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण अंक एवं प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। फिर यहाँ पे बात करते हैं अधिमान्य अर्थाएं, डोएक द्वारा अगर आपके पास वो लेवल है, प्रादेशिक सेना में अगर न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा की है, राष्ट्रीय कैडेट कोर, अगर ये देखिए अगर आपके पास है तब तो ठीक है, अगर ये नहीं है तो कोई बात नहीं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर जिसके पास है तब ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। और अगला जो है, अगले पे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे अगला टॉपिक है उस पे चलते हैं, उस पे बात करते हैं। तो अभी ऊपर चलते हैं, फिर जो है कि बहुत ही अच्छा ये जो है कि अगर आपके पास नहीं है तो कृपया आप इसे जल्दी से जल्दी बनवा लीजिए, नहीं तो आप भर्ती में इजिबल नहीं होंगे। भले आपने फॉर्म भर दिया है लेकिन उसके लिए आप इजिबल नहीं होंगे। फिर यहाँ पे बात करते हैं आरक्षण एवं अधिकतम आयु सीमा की छूट के दावे संबंधी अभिलेख यदि लागू, अगर आपकी अधिकतम आयु सीमा होगी तो उसमें आप दावे के दस्तावेज सबमिट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के मूल निवास का प्रमाण पत्र वर्ष 2018 में किंतु इस भर्ती प्रक्रिया हेतु निर्धारित आवेदन की अंतिम तिथि तक निर्गत होना चाहिए। ये बात बता दें, ये SC, अगर आप SC से हैं या OBC से हैं या जनरल से हैं या ST से हैं, किसी भी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका जो है कि ये निवास प्रमाण पत्र 2018 में बना होना चाहिए, तभी जो है कि आप इजिबल होंगे, वरना आपको इससे बाहर कर दिया जाएगा भर्ती से जब आपका वेरिफिकेशन होगा। फिर बात करते हैं यहाँ पे अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप 1 पर 1 अप्रैल 2018 या उसके बाद का किंतु इस भर्ती प्रक्रिया हेतु निर्धारित आवेदन की अंतिम तिथि तक निर्गत होना चाहिए। यहाँ पे बात करते हैं, अगर आप OBC कैटेगरी के हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र जो है 1 अप्रैल 2018 या उसके बाद का होना चाहिए, तभी आप इसको क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये बात आप जरूर ध्यान रखिए OBC कैटेगरी के, कि आप जो है 1 अप्रैल 2018 के बाद का ही आपका जो है कि जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। फिर अगला चलते हैं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए श्रेणी का जाति प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप 2 पर इस भर्ती प्रक्रिया हेतु निर्धारित आवेदन की अंतिम तिथि या इसके पूर्व भी निर्गत होना चाहिए। तो देखिए, ये जो है ना कि अगर आप जाति की बात करते हैं, ओबीसी को छोड़ करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC ST की बात करते हैं, तो उनके लिए जाति कभी का भी होना चाहिए, या 1 अप्रैल से पहले का, या 2011 का, या 2010 का, या 2009 का, कभी का होना चाहिए, तो ये जाति आपकी चलेगी। लेकिन यहाँ पे जो आप देख रहे हैं निवास, तो निवास आपको नया बनवाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपने नया निवास बनवाया है, जाति आपकी पुरानी है, तो आप इसमें लगा सकते हैं, वरना अगर आप बनवा रहे हैं तो दोनों को साथ में भी बनवा लीजिए, 7 दिन में या 1 हफ्ते में आ जाता है। तो बहुत ही जल्दी अगर आपको फॉर्म भरना है तो ये डॉक्यूमेंट आपको क्लियर करने होंगे। एक तो निवास आपका 1 अप्रैल यानी 2018 में कभी भी बना होना चाहिए, तो 2018 का, और OBC में है तो ये जाति आपका 1 अप्रैल 2018 के बाद का होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति के हैं तो जाति की कोई वैल्यू वो है नहीं है, आप कभी भी अपनी जाति किसी भी दिन का हो लगा सकते हैं, लेकिन निवास पर ध्यान देना, निवास 2018 का होना चाहिए। फिर यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो प्रारूप 3 में आपके पास निर्गत होना चाहिए। तो ये थी सभी जानकारी, अब ऊपर चलते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। फिर यहाँ पे देख सकते हैं, इधर नीचे जो है कॉलम उसे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, देखते हैं हम लोगों के लिए है कि नहीं। तो भूतपूर्व सैनिक यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र सेवामृत, ये जो है ना सर्टिफिकेट ऑब्जेक्शन इंडियन स्पेशलिस्ट आर्मी, यानी जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए ये है, तो ये हमारे लिए उतना बिलोंग नहीं करता है। अगर जिसके पास अनुमन्य है, जो लोग आते हैं इसके अंतर्गत, ये जो है कि अपना वो डॉक्यूमेंट अपना क्लियर रखें, क्योंकि हो सके कभी ना कभी डॉक्यूमेंटों की आपकी ज़रूरत पड़ जाएगी।
तो ये कुछ नहीं है, बस यही था। और यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप नीचे भी बता देते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें, अगर आप जिला कमांडेंट होम गार्ड द्वारा निर्गत सेवा प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि का होम गार्ड कम से कम 3 वर्ष की सेवा पूर्ण होनी चाहिए, ये भी ध्यान देंगे। अगर आप रिटायर हैं या आपने होम गार्ड में 3 साल की सेवा दी है तो आपको 5% जो है कि छूट मिलेगी। आयु में छूट चाहने वाले उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यरत कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र, यह प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप 4 पर होना चाहिए। अगर आप आयु में छूट चाहते हैं तो प्रारूप 4 जो है कि नीचे दिया होगा, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त किसी अन्य प्रारूपों में निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। तो ये जो है कि आप देख सकते हैं सारी क्रियाएं हैं, और जो है कि फोटो आप देख सकते हैं स्कैन करना पड़ेगा आपको, 1.4 इंच x 45 या 1.7 इंच होने चाहिए, और बता दें JPG फॉर्म में होने चाहिए। तो ये तो सभी लोग कर लेते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, सभी लोग कर लेते हैं। और जो है कि ये बहुत ही यही सब प्रोसेस था इसमें। तो आप लोग, सबसे इम्पोर्टेंट बात मेरा बताने का मतलब यही था कि ये जो है कि डॉक्यूमेंट आप सही रखिए, जो जो मैंने यहाँ पे बताया, शैक्षिक अर्हता वाले, फिर जो है कि आरक्षण वाले, और जो है कि यहाँ पे जाति और निवास की बात करते हैं, तो निवास आपका टोटल क्लियर हो गया, आपका 2018 में बना होना चाहिए। और जो है कि कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका है तो ये जो है कि OBC के लिए 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, और SC ST और OBC के लिए कभी कभी होना चाहिए, तो आप उसे भर सकते हैं। और आपको तो पता है जनरल की जाति की कोई बात ही नहीं होती है। तो बस यही था वीडियोज़ में, अगर वीडियोज़ अच्छी लगी तो वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सभी को पता चले कि ऐसा इस फॉर्म में करना है। अगर नहीं पता चलेगा तो वो लोग फॉर्म पिछला वाला ही भर देंगे जाति निवास से, तो वो जो है कि उनका फॉर्म आगे चल के रिजेक्ट हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छी बात है, ये सबको बतानी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक लिए बाय बाय।